नमस्कार दोस्तों, बिंदिया प्लस किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाएंगे राजमा चावल। चलिए तो दोस्तों बनाना शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। इसके लिए हमें चाहिए एक कप राजमा। यहाँ पे हमने लाल राजमा लिए हैं, आप चाहे तो यहाँ पे ब्राउन राजमा भी ले सकते हैं। इसे हम ओवरनाइट पानी में भिगो लेंगे। साथ ही साथ हम बासमती चावल लेंगे, दो कटे हुए प्याज, दो बड़े लाल टमाटर को हमने मिक्सी में पीस लिया है, एक टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा टीस्पून साबुत जीरा, एक टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, एक टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून किचन किंग मसाला, आधा टीस्पून गरम मसाला, एक टीस्पून कसूरी मेथी, एक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, नमक स्वाद अनुसार। इसे हमने ओवरनाइट पानी में भिगो लिया है। राजमा अच्छे से फूल गए हैं, अभी हम इसे बॉईल करेंगे। राजमा हमारे बॉईल होके रेडी है, ये बढ़िया से बॉईल हुए हैं। एक बोल में हम चावल लेंगे, इसमें हम डालेंगे पानी, राइस में से सारा स्टार्च निकल जाना चाहिए, इससे राइस एकदम खिले खिले बनेंगे। चावल को हमने तीन बार साफ पानी से धो लिया है, अभी हम इसे भिगो लेंगे। अभी हम इसमें पानी डालेंगे और इसे हम आधा घंटा भिगो लेंगे। चावल को भिगोना बहुत ही ज़रूरी है, इससे चावल का दाना एकदम लंबा बनेगा और चावल एकदम खिले खिले बनेंगे। चावल को हमने आधा घंटा पानी में भिगो लिया है, अभी हम पानी को छान लेंगे और चावल को बॉईल कर लेंगे। पानी हमारा बॉईल हो गया है, अभी हम इसमें दो टीस्पून नमक डालेंगे, इसे मिक्स कर लेंगे। साथ ही साथ हम इसमें आधा टीस्पून नींबू के फूल डालेंगे, इससे चावल हमारे एकदम खिले खिले बनेंगे। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से, ये मिक्स हो गया है। अभी हम इसमें भिगोए हुए चावल डालेंगे। नींबू के फूल डालने से चावल का दाना एकदम सफ़ेद बनेगा, इसकी जगह पे आप आधा नींबू भी यूज़ कर सकते हैं। एक टीस्पून हम इसमें डालेंगे ऑयल, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चावल हमारे अच्छे से पक गए हैं, इसे पकते हुए 10 मिनट हमारे हुए हैं, अभी हम इसे छान लेंगे। चावल को हमने छान लिया है, अभी हम इसे थोड़ा खुला खुला कर देंगे और इसे हम थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। उससे पहले हम एक कढ़ाई में ऑयल डालेंगे, यहाँ पे हम एक टेबलस्पून ऑयल लेंगे। अभी हम इसमें कटा हुआ प्याज डालेंगे, प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है, अभी हम गैस की फ्लेम बंद करेंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के मिक्सी में चर्न कर लेंगे। प्याज की ब्राउन पेस्ट हमारी रेडी है, अभी हम राजमा बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम उसी पैन में डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल को हम गर्म होने देंगे, ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अभी हम इसमें साबुत जीरा डालेंगे। जीरा हमारा अच्छे से चटक गया है, अभी हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। आधा मिनट हमने इसे अच्छे से भून लिया है, जिससे कि अदरक और लहसुन का कच्चापन खत्म हो जाए। अभी हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, मिला लेंगे इसे अच्छे से। अभी हम इसमें टमाटर का प्यूरी डालेंगे। टमाटर को हम अच्छे से पका लेंगे। अभी हम इसमें नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, नमक आप ध्यान से डालिए क्योंकि हमने राजमा को बॉईल करते टाइम भी इसमें नमक मिलाया है। टमाटर को हम ढककर अच्छे से पका लेंगे। टमाटर हमारे अच्छे से पक गए हैं, इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पे हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है, जिससे कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। अभी हम इसमें धनिया जीरा पाउडर डालेंगे।
1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा टीस्पून किचन किंग मसाला डालेंगे, इसे मिक्स कर लेंगे। मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कि मसालों का कच्चापन खत्म हो जाए। मसाले हमारे अच्छे से पक गए हैं, अभी हम इसमें प्याज का ब्राउन पेस्ट डालेंगे, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम 2 से 3 मिनट ढककर पकाएंगे। 2 से 3 मिनट हमारे हो गए हैं, मसालों में से ऑयल रिलीज हो गया है, मसाला हमारा अच्छे से पक गया है। अभी हम इसमें बॉइल्ड राजमा डालेंगे, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कसूरी मेथी को हाथों से मसल के डालेंगे, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, टीस्पून गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला को आप लास्ट में ही डालिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल बिंदिया प्लस किचन को और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कीजिए जिससे कि मेरी लेटेस्ट रेसिपी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। अभी हम इसे ढककर 1 से 2 मिनट पकाएंगे। 2 से 3 मिनट हमारे हो गए हैं, राजमा भी हमारे बिल्कुल रेडी है, ऑयल सरफेस पे आ गया है, राजमा हमारे बिल्कुल रेडी है। अभी लास्ट में हम इसे कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। अभी हम गैस की फ्लेम बंद करेंगे और जीरा राइस और राजमा को सर्व करेंगे। राइस भी हमारे एकदम ठंडे हो गए हैं, अभी हम जीरा राइस का तड़का लगा लेंगे। 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। तेल हमारा गरम हो गया है, अभी हम गैस की फ्लेम बंद करेंगे और इसमें साबुत जीरा डालेंगे। अभी हम जीरा को चावल में डाल देंगे, सारे चावल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी लास्ट में हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, फिर से इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जीरा राइस हमारे बिल्कुल रेडी है, अभी हम इसे साइड में रख देंगे। दोस्तों रेडी है हमारी आज की ये रेसिपी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारी रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो दोस्तों मिलते हैं फिर नई एक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो लेफ्ट में क्लिक कीजिए, फीचर वीडियो को देखने के लिए राइट में क्लिक कीजिए। अगर आपने हमारी चैनल का ट्रेलर नहीं देखा है तो टॉप सेंटर में क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।